गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल मेकअप लुक्स एंड कुक्स। आज का वीडियो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बिकॉज होली आने वाली है और सबको पता है कि होली खेलने में तो बहुत मजा आता है लेकिन उसके बाद जो स्किन और हेयर का डैमेज होता है ना वो इतना ज्यादा होता है कि हम उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उसी के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ, छोटी छोटी टिप्स है जो कि आपको हेल्प करेंगे पोस्ट होली, जो भी आपको पोस्ट होली ट्रॉमा फेस करना पड़ता है ना अपने हेयर और स्किन को लेके, तो वो बिल्कुल भी इस बार नहीं करना होगा। तो उसके लिए ये स्टार्ट करते हैं टिप्स। हाँ गाइज, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो उसके पास में बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहे जैसे ही मैं उनको अपलोड करूँ। तो स्टार्ट करते हैं चलिए आज का वीडियो जो कि है बहुत इम्पोर्टेंट। फर्स्ट टिप इज कि आप अच्छी तरीके से अपने फेस को ग्रीस करिए कैस्टर ऑयल से और सनस्क्रीन से। सनस्क्रीन होनी चाहिए एटलीस्ट 40-50 SPF की ताकि वो आपको ज्यादा प्रोटेक्शन दे सन डैमेज से। सन डैमेज होली स्पेशली खेली जाती है धूप में, जब होता है सन अपने पीक पर तब आपको, इसीलिए आपको अप्लाई करनी है सन गार्ड, अच्छी सी कोई सन गार्ड अप्लाई करनी है और अपने फेस पे अप्लाई करना है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल फ्रेंड्स क्या होता है कि बहुत ज्यादा थिक होता है और ग्रीजी होता है, तो वो आपके चेहरे पे एक एक्स्ट्रा लेयर बना देगा प्रोटेक्शन की, तो जिससे आपका जो कलर होगा वो आपके फेस को स्किन पे पोर्स में पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपको ब्रेकआउट्स नहीं होंगे, रैशेज नहीं आएंगे, क्योंकि आपके फेस पर एक एक्स्ट्रा लेयर होगी प्रोटेक्शन की। सो द सेकेंड टिप इज कि आप गर्ल्स जो है स्पेशली वो फाउंडेशन अप्लाई कर सकती है। आप अच्छे से लेयर फाउंडेशन की अप्लाई करिए, सनस्क्रीन अप्लाई करिए, उसके ऊपर कैस्टर ऑयल अप्लाई करिए, जिसकी वजह से आपके फेस को एक्स्ट्रा लेयर मिलेगी, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलेगा, जो कि आपको होली से होने वाले डैमेज से बचाएगा। आपके पोर्स होंगे एकदम क्लियर रहेंगे, आपकी स्किन है वो ग्रीजी रहेगी, जिसकी वजह से कलर्स आपके फेस पे आ नहीं पाएगा, आपको रेडनेस नहीं होगी, कोई एलर्जी नहीं होगी। थर्ड टिप है कि आप कपड़े पहने, कपड़े पहनिए व्हाइट कलर के, व्हाइट कलर के कपड़े से पहने, क्योंकि पिसान अपनी पीक पर होता है जिस वक्त आप होली खेलते हो, तो आपको जो व्हाइट कलर है वो सन डैमेज से बचाएगा। आपका जो व्हाइट कलर होता है वो बहुत ही सारा रेजेस होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, तो और आपका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत ही रेयर होता है, तो उससे आपका जो सन डैमेज से आपको बचाएगा व्हाइट कलर। कॉटन के कपड़े पहनिए, कॉटन के कपड़े पहनने से क्या होगा, वो कपड़े जो होते हैं कॉटन के वो ब्रीदेबल होते हैं इजिली, तो आराम से ब्रीद करते हैं और आपके जो कपड़े हैं इजिली सूख भी जाते हैं, आप पानी से खेलते हैं आप बीमार पड़ सकते हैं, तो वो कपड़े इजिली हवा में धूप से इजिली सूख जाते हैं, जिसकी वजह से ना आप बीमार पड़ेंगे और आपको ना ही स्वेटिंग होगी, अगर आप धूप में स्वेटिंग कर रहे हैं तो ना आपको ठंडी गर्मी इससे कोई भी एलर्जी नहीं होने वाली है। नेक्स्ट टिप है आपका हेयर्स के लिए, हेयर होते हैं ना बहुत ही गंदी तरह डैमेज होते हैं, हेयर कलर जो हेयर होते हैं जो कलर से बहुत ही गंदी तरह डैमेज होते हैं होली के कलर से, तो आपको करना क्या, आपको कैस्टर ऑयल लेना है, कैस्टर ऑयल में मिलाना है कोकोनट ऑयल, तो कैस्टर ऑयल बहुत ही थिक होता है, तो आपको उसमें कोकोनट हल्का सा मिलाना है, मिलाने का मिक्स करना है अच्छे से, और मिक्स करने के बाद आपको अपने हेयर की जो स्कैल्प है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेना है, ताकि जो आपके हेयर है कि जो स्कैल्प है उस पर अच्छी सी लेयर प्रोटेक्शन लेयर बन जाए, जिससे आपका जो कलर होगा ना वो आपके स्कैल्प में आपकी स्कैल्प की जो पोर्स होते हैं उसे पेनिट्रेट नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपको ना ही डेंड्रफ की प्रॉब्लम होगी और ना ही आपको हेयर डैमेज होगा, जैसे कि आपके हेयर ड्राई हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा, उसके बाद आपके स्प्लिट एंड स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी आप फेस नहीं करोगे अगर आप अपने हेयर पर अच्छी तरीके से ऑयल अप्लाई करो कैस्टर ऑयल, क्योंकि कैस्टर ऑयल बहुत ज्यादा थिक होता है फ्रेंड्स, वो अच्छी से लेयर देगा आपके हेयर पर और प्रोटेक्ट करेगा आपके बालों को फ्रॉम द कलर्स ऑफ होली। ओके गाइज, नेक्स्ट टिप है हमारा लिप्स और नेल्स के लिए, तो गाइज ये जो होते हैं हमें इनको भी प्रोटेक्ट करना है, जो हमारे लिप्स होते हैं बहुत ही डेलिकेट होते हैं, तो हमें क्या करना है, गर्ल्स तो सिंपली लिपस्टिक अप्लाई कर सकती है, लिक्विड लिपस्टिक होती है वो बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करेगी आपके लिप्स को होली के कलर से, तो आप लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो और अपने नेल्स पे नेल पेंट लगा सकते हो। बट बॉयज क्या करें, बॉयज जो है उनको वैसलीन लेनी है, वैसलीन की थिक लेयर अपने लिप्स पे लगानी है, प्लस अपने नेल्स जो होते हैं नेल्स पे भी आपको अच्छे से वैसलीन लगा लेनी है, जिससे कि ये ग्रीजी हो जाएंगे आपके लिप्स और नेल्स और इस पे बिल्कुल भी होली के कलर का स्टेन नहीं आएगा और ये प्रोटेक्ट रहेंगे होली के कलर से। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा कोकोनट ऑयल, आपको कोकोनट ऑयल में कैस्टर ऑयल मिलाना है या फिर आलमंड ऑयल लेना है, उससे अपनी बॉडी को पूरी तरीके से ग्रीस कर लेना है, फुल बॉडी को ग्रीस करना है, यानी कि फेस पे सनस्क्रीन अप्लाई कर ली, हेयर पे अप्लाई कर लिया, लेकिन नहीं, आपको पूरी बॉडी को नेक टू टो तक अपनी बॉडी को ऑयल से पूरी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करना है, अच्छे से अप्लाई करना है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पर भी कोई कलर स्टेन नहीं आएगा, आपके ना रैशेज आएंगे ना कुछ होगा।
गाइस अब जो मैं टिप्स देने वाली हूँ वह है पोस्ट होली। आप होली खेल के आ गए हैं। होली खेल के आने के बाद गाइस होता क्या है, लोग आते हैं ना अपना फेस बार 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 पानी से, सोप से, बहुत ही हार्ड सोप लेते हैं, स्क्रबर्स लेते हैं, बार बार वॉश करते हैं क्लेंजर से। ये ऐसा नहीं करना, अगर आप उसको बार बार ऐसा करोगे तो आपका जो फेस है वो स्किन है जो आपकी ओवर ड्राई हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर रैशेज आ जाएंगे रेड और आपके रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। या तो आपको पहली चीज करनी है, या तो अपने चेहरे को अच्छे से कच्चे दूध से, कच्चा दूध लीजिए आप अपने कच्चे दूध से, ये क्लेंजिंग होता है, ये क्लेंजर होता है, कच्चा दूध बहुत अच्छा जो कि आपके जो कलर्स होते हैं, स्टेन्स होते हैं, उसको बहुत ही अच्छे से उसको निकाल देगा। तो आपको कच्चे दूध अपने चेहरे पे अप्लाई करना है कॉटन से, धीरे से उसको साफ कर लेना है। आप देखेंगे मैक्सिमम कलर आपका निकल चुका होगा। उसके बाद आपको अप्लाई करना है उपटन बनाना है, जो कि आप बेसन, कच्चा दूध, हल्दी और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालकर मिक्स करके आप इसको अपने चेहरे पे अच्छे से लगाइए और स्क्रब ऑफ कर दीजिए धीरे धीरे। इससे क्या होगा, आपका कलर इजिली पूरा का पूरा निकल जाएगा, आपको बिल्कुल भी फेस वॉश नहीं करना है। और उसके बाद आप किसी भी माइल्ड क्लेंजर से अपने फेस को वॉश कर सकते हैं, और सेम आपको अपनी बॉडी के साथ भी करना है। और बालों में क्या करना है कि आपको कोई भी हार्श शैम्पू अप्लाई नहीं करना है, आपको शैम्पू वैसा लेना है बहुत ही माइल्ड, और अच्छे से हेयर में स्लोली स्लोली अपने टिप्स से स्क्रबिंग करते हुए उसको निकालना है। आप दो बार बस आप शैम्पू कर सकते हैं, दो बार अप्लाई कर सकते हैं एट अ टाइम, उससे ज्यादा आप शैम्पू मत अप्लाई करिए, नहीं तो आपके हेयर है वो ओवर ड्राई हो जाएंगे, जिसकी वजह से डैंड्रफ की प्रॉब्लम होगी गाइज। सो आप ये टिप्स मेरे हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा और होली अच्छे से खेलिएगा, अपनी स्किन को, अपने हेयर को, अपनी होल बॉडी को प्रोटेक्ट करिएगा। गाइस प्लीज सेफ प्ले सेफ होली एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली एंड एंजॉय इट, एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर टिप्स और रिव्यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।